छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय प्लेसमेंट कर्मचारी महासंघ ने आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। जिले के 184 नगरीय निकायों के 20,000 कर्मचारी काम बंद कर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं हड़ताल के चलते सफाई, जलापूर्ति, विद्युत मरम्मत और अन्य सेवाएं पूरी तरह से ठप हो गई हैं। इधर कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि उन्हें अन्य विभागों की तरह नगरीय निकायों से सीधे वेतन भुगतान किया जाए। आज जो हमने 19/11 से अनिश्चितकालीन हड़ताल रखी है, इसका कारण ये है कि बरसों से हमको प्लेसमेंट प्रथा में जो वो हमारे ऊपर थोपा गया है जो अन्यायपूर्ण तरीके से, तो उसको हम हटाना चाहते हैं और इसीलिए हम लोग हड़ताल पे बैठे हैं। और ये हड़ताल तब तक रहेगी जब तक कि प्लेसमेंट प्रथा बंद ना हो जाए। केवल एक ही मांग है, प्लेसमेंट प्रथा बंद करें। और दूसरी है, जो श्रम सम्मान राशि दिया जाता है 4,000 रुपये, वो अन्य विभागों को दिया जाता है, लेकिन भेदभावपूर्ण तरीके से नगरीय निकाय इस श्रम सेवा से सम्मान से वंचित रहता है। आखिर ऐसा क्यों? लगातार 1998 से अब तक हम कर्मचारी दैनिक वेतन भोगी में कार्य करते आ रहे थे। नवंबर 2016 में हमको प्लेसमेंट कर्मचारी में बीजेपी सरकार द्वारा थोपा गया है जबरदस्ती, और अभी ठेका प्रथा में दिया गया है। माननीय विष्णु देव साय मुख्यमंत्री से हम आग्रह कर रहे हैं और कि हमारा जो प्लेसमेंट ठेका में है इसको बहाल करके हमको नियमितीकरण करें और दैनिक वेतन भोगी में लाएं। हम ये चाहते हैं कि समस्त कर्मचारी की हमारी भी एक मांग है जो पूरा करें और हमारे परिवार भी सुखी से रह सके।